Welcome back to Rising Pakistan. मेरे साथ मौजूद हैं the one and only Tony Naveed Rashid. Good morning. Good morning. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल. Fresh हैं, मिल सकते हैं fresh. Fresh, fresh, energetic. हाँ, energy सब अपने साथ लेकर आता है ना. मैंने कहा मैं भी एक energy साथ लेकर आऊँ अपने. आज के तुम्हारे segment में एक ऐसी legendary artist का जिक्र Tony होने वाला है कि वो भी screen पे energy उनके बहुत एनर्जी और बहुत रौनक होती थी उनके स्क्रीन पे आने से. और तौफीक, वैसे तो फिल्म में हमारी बहुत बड़ी बड़ी हीरोइंस रही हुई हैं, लेकिन ये एक वाहिद हीरोइन थी जो कि क्रेज था. पागल थे लोग इनके पीछे. और परफेक्ट हीरोइन मटेरियल. ठीक है. शी वॉज वेरी टॉल. ठीक है. ठीक है. शी वॉज स्लिम एट दैट टाइम, वेरी स्लिम एंड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ईस्टर्न फीचर्स, परफेक्ट डांसर. एंड और वो एक वो जो शोक और चंचल अदाएं होती है ना, एक वो जो इंग्लिश में कहते हैं स्पंक है और वर्व है और स्पार्क है, 100% फुल ऑफ दैट. अरे और जज्बाती सीन जब आता था माँ के साथ या बाप के साथ, वो जज्बात भी बड़े जबरदस्त. और खूबसूरत आवाज, मतलब बहुत कम हीरोइन थी हमारी सीरीज की आवाज बहुत खूबसूरत है. तो वो अंजुम शाहीन, यानी कि अंजुमन हमारी जो है, मतलब शी वॉज, उन्होंने राज किया 20 साल इंडस्ट्री में. स्टार्ट उन्होंने शबाब किरानवी की फिल्म से किया लेट 70s में. और सारे टॉप हीरोज जो थे उस जमाने के, जो कि उनसे बहुत बड़े थे उम्र में, इसमें वहीदुर्रा शामिल थे, शाहिद थे, मोहम्मद अली, उनके साथ एज हीरोइन काम किया उर्दू फिल्मों में, क्योंकि हर हीरोइन उस वक्त उर्दू फिल्मों का दौर था ना, तो उनको क्या पता था कि इसने तो पंजाबी फिल्मों की क्वीन बनना है एक दिन. तो वो क्योंकि उर्दू फिल्मों का दौर था, शबाब किरानवी साहब ने और मोहम्मद अली ज़ेबा ने इनको इंट्रोड्यूस कराया था. कैन यू इमेजिन कितना बड़ा वो रेफरेंस है. और शबाब किरानवी साहब ने 4 फिल्में इनको दी जो उन्होंने चारों में काम की और बड़ी हिट फिल्में थी. उसके बाद फिर जब 80 आया ना, तो पंजाबी फिल्मों का दौर एक तब से शुरू हो गया. ठीक है. तो 81 में इनकी 4 फिल्में रिलीज हुई थी, चनमरियाम, ठीक है, साला साहब, शेर खान. तो मतलब है ये, और वो सारी हिट डायमंड जुबली. तो आज भी आप देखें ना साला साहब और गाने फुल ऑफ इंटरेस्ट. तो उसके बाद देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, देन शी वाज एट द टॉप. और उसके बाद देन इवन थ्रू आउट हर कैरियर, जबकि उनका थोड़ा वेट इश्यूज भी थे, सब कुछ था, लेकिन लोग उनसे मोहब्बत करते थे. और वो उस वेट में भी वाहिद हीरोइन थी तो इतनी खूबसूरत लगती थी. एग्जैक्टली. तो अभी उनकी कुछ यादगार तस्वीरें, ये देखिए याद की थोड़ी बात की तस्वीर है, मतलब उनकी और अदाएं देखे ना कैसी उनकी, मतलब कातिलाना अदाएं थी. और कामयाब तरीन, मतलब अंजुमन का नाम जिस फिल्म में होता था, उस फिल्म में उनका ये तस्वीर उनकी सुल्तानरा की डेथ के बाद की फिल्म है, ये PTV के शो में तेरे बाजरे दी राखी जो उन्होंने गाना गाया था, ये उसकी है. तो जिस फिल्म में अंजुमन का नाम होता था, तो वो कहते थे बस ये फिल्म कामयाब है. और मैडम नूरजहान की आवाज परफेक्टली सूट करती थी. एग्जैक्टली. ऐसी खूबसूरत आवाज, हालांकि मैडम नूरजहान ने हर एक लिए प्लेबैक किया हुआ है और हर हीरोइन को उनकी आवाज सूट करती थी, मगर इस दौर में आकर तो इट जस्ट स्टार्टेड लुकिंग सो ब्यूटीफुल ऑन हर, के लगता था कि ये आवाज है ही इनकी. मेरे ख्याल इन्होंने इतनी फिल्मों में टोनी काम किया कि उनसे अगर खुद पूछा जाए उनको भी याद कई दफा नहीं आता. इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. एक तो उनकी फिल्में, नंबर ऑफ फिल्म्स दैट शी हैज डन, एंड नंबर ऑफ फिल्म्स शी डन सुल्तान राई. एग्जैक्टली. एज अ कपल वर्ल्ड रिकॉर्ड है सुल्तान राई अंजुमन, सुल्तान राई अंजुमन. और हर फिल्म हिट होती थी. मुझे याद है लाहौर में ना एबट सिनेमा में, PTV जहां है हमारा, PTV के आगे से ना सिनेमा शुरू हो जाते हैं, मुबारक से लेकर कैपिटल और ओडियन तक है, 8-9 सिनेमाज है, उनमें सारों में एक ही वक्त में, एक ही वक्त में, और हर के बाद हाउसफुल का बोर्ड लगा होता था. आप सोचिए एक ही कास्ट, यू नो, और एक ही तरह की वो आप एक मोर गाने भी एक जैसे तकरीबन. लेकिन वो इतना इस सुपर हिट जोड़े का वो था. सुल्तान रही तुम्हारे सुपर हीरो थे ना, ही वाज द ओनली सुपर हीरो वी एवर हैड. और अब अंजुमन जब उनके साथ पेयर हुई तो वो एक, वो कहते ना बैटमैन हैज फाइनली मैच हिज मैच, तो वो वाला हाल था कि वो फाइनली वो एक मैच ऐसा. अच्छा, अंजुमन की ना मुझे एक उनकी पर्सनैलिटी और उनकी शख्सियत की जाती तौर पर एक चीज बड़ी पसंद है कि वो बहुत प्रेजेंट मोमेंट में रहने वाली है आज भी. बिल्कुल. मतलब अंजुमन की अब जैसा हाल ही में उनकी शादी जी, और देखिए पूरी दुल्हन माशाल्लाह बनी, खूबसूरत लगी ना? और मतलब लोग कहते हैं जैसे हमने सादगी से निकाह कर लिया ये वो, बट चीज मतलब उन्होंने कितना अच्छा ट्रेंड स्टार्ट किया. और उनकी यूट्यूब पे एक वीडियो है ऑडियो की कि उन्होंने क्यों शादी की, वो इतनी प्यारी तरह से उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया, अच्छी बात की है कि वो आपका दिल वो जीत लेती है वो चीज़. अगर exactly. आपको अगर आपको कोई उनकी शादी से इख्तलाफ भी होता है ना, तो आपको वो वीडियो सुन के आपको लगता है कि हाई कितनी अच्छी तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैंने शादी क्यों की.
अच्छा, उनकी जो अभी हाल ही में शादी हुई जी, उसके बारे में आजकल पता नहीं वो गॉसिप है कि रियलिटी है, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि वो नहीं चल रही, वो सेपरेशन हो रही है। हाँ, वो तो मैंने सुना था कि खुदा ना खासा डिवोर्स हो गई है। मैं तो बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि मैं माशाल्लाह उनका बड़ा अच्छा फ्रेंड हूँ, तो मुझे ये होता है कि मैं उनका बड़ा फैन भी रहा हूँ, तो मुझे ये था कि रहा क्या हो, अभी भी हूँ, हम सब हैं। तो उसमें मैंने उनको ये मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी पूछने की, तो मैंने फिर पूछ ही लिया। मैंने कहा क्योंकि मेरी फ्रेंड है ना, ये मुश्किल टाइम है, मैं क्यों ना बात करूँ। तो हम आपको अभी एक ऐसा क्लिप दिखाते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली अंजुमन जी ने रात को अपने हस्बैंड के साथ, जो लकी अली उनके हस्बैंड हैं, उसके साथ उन्होंने रिकॉर्ड किया फॉर आर शो एक्सक्लूसिवली, जो कि और कहीं नहीं चलेगा। चले और जी, वो हम देखते हैं ताकि लोग को पता क्लियर होगा कि वो कि है कि नहीं है, हो गई है नहीं हो गई है, खुदा ना खास्ता डिवोर्स है नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन वो क्लिप हम देखते हैं और उसके बाद हमें पता चलेगा कि उसके बाद उनके शादी की तस्वीरें भी दिखानी है, बिल्कुल पता लगे, बिल्कुल बिल्कुल दिखानी है। बिल्कुल, क्लिप देखते हैं फिर हम बात करते हैं। क्लिप देखते हैं जी, प्ले करें, क्या कह रही है अंजुमन। सबसे पहले देखने वाले और सुनने वालों को हम दोनों मियां बीवी का सलाम पहुंचे। आजकल जो मीडिया पे खबरें चल रही हैं हम दोनों को लेके, ये फेक हैं। हम बिल्कुल दोनों मियां बीवी बहुत खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी शादी को लेके तो पूरा मीडिया ने बहुत अप्रिशिएट किया और मैं और लकी अली हम बहुत खुश अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो कुछ ऐसी मनगढ़ंत बातें हैं जो हमारे बारे में लोग कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है, उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है जो आप लोग देख रहे हैं, ये सच है। लो जी, वाह जी वाह, बहुत बड़ा एक कैसी मसला, एक्सक्लूसिव फुटेज है हमारी माशाल्लाह। हाँ। उसको वो जो वैसे न्यूज़ चैनल्स पे लिखा हुआ था। हाँ, बिल्कुल, कहीं भी नहीं चली है, सिर्फ हमारी में चली, सबसे पहले हमारे शो का माशाल्लाह। तो भाई वो एक जो सोशल मीडिया पे हम आपको बताएं भाई, इस वक्त जो एक वो सारी अफवाहें चल रही हैं, ऑल फेक, ऑल रॉन्ग। अंजुमन अपने घर में बसी हुई है, खुश है, बिल्कुल, और माशाल्लाह खुश है और बहुत खूबसूरत लग रही है आजकल। हाँ, कितनी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है आजकल। तो वो एक वो उस चीज, वो भी उसी, आपके हालात अच्छे हो, आप खुश हो, तो वो आपकी उस पर रिफ्लेक्ट करता है ना पर्सनालिटी। अच्छा टोनी, सब लोग अब इस वक्त ये चाह रहे होंगे कि वैसे तो सोशल मीडिया पे अंजुमन की शादी की तस्वीरें सबने देखी, लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स कह रहे हैं कि भाई अब उन्होंने इस स्टेज में आके जब शादी की है तो उसकी तस्वीरें जरा, बिल्कुल बिल्कुल देखें, और क्या कितनी खूबसूरत लग रही है वो। एग्जैक्टली मुकेश भाई, जरा लगाइए, वाह जी वाह, वो देखें, इट्स अ मोटिवेशन फॉर एवरीवन, लुक एट, जो मुझे लग रहा है कि इनकी जैसे पहली शादी की तस्वीरें हैं ये। Exactly. माशाल्लाह, इतनी Exactly. अच्छी लग रही हैं। अच्छा, हम एज तो नहीं बता सकते ना कि एज में शादी की है। नहीं नहीं, ये नहीं, हमें जरूर, हमने एज, औरतों की कहते हैं औरतों की एज और मर्दों की तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए। अब तो खैर ये हिसाब उल्टा भी हो चुका है। हाँ। अब तो बहुत सी खवातीन है जो अपनी जो पैसे हैं, जो उनकी इनकम है, वो छुपाती है। I think औरतों को शेवा ही है कि वो चीजें छुपाती है। इसी तरह से उनकी जिंदगी कामयाब गुजरती हैं। अच्छा, ये बहुत सारी, ये तुम देख लो, बहुत तुम खतरनाक जुमला कह गए, बहुत सारी खवातीन तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। पीछे पड़ने क्या मतलब, मर्द भी छुपाते हैं उम्र, मर्द का जो छुपाना होता है ना वो और रीजन होती है। औरतों का जो छुपाना होता है ना वो होता है कि हमारी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चले, हमारी लाइफ अच्छी चले, बिकॉज हमारी सोसाइटी में लोग सच सुनने का उनको है ही नहीं शौक, तो इसी लोगों को थोड़ा बहुत वो क्या कहते हैं डिप्लोमेसी के साथ, टू पुट इट मोर पोलाइटली। तो आई थिंक अंजुमन का ये है कि शी हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल हीरोइन, एंड मुझे आप ये देखें तौसीक, कितनी मजे की बात है कि आज भी हमें वही हीरोइंस मिसाला दे रही हैं, गॉसिप दे रही हैं, और गॉसिप तो बहुत नेगेटिव वर्ड है कि जो कि आजकल की जो हमारी हीरोइंस हैं उनके बारे में तो कोई मजे की बात आती नहीं है, अभी भी वही बातें आ रही हैं कि अच्छा अंजुमन ने ये कहा तो रीमा ने ये कहा तो रेशम ने ये कहा तो सना ने ये कहा, अंजुमन की शादी हो गई है और तलाक हो गई है, नहीं जी नहीं हुई है। हाँ, वो वीडियो आजकल की हीरोइंस के बारे में तो किसी को बात आती नहीं है, तो ये वो जो हमारा मसाला है ना वो वही बॉलीवुड। अच्छा अब ये बताएं कि हमारा क्या रिवाइवल पंजाबी सिनेमा का रिवाइवल आप होता हुआ देख रहे हैं, खासतौर पे यू नो जब ये हम सारी बात करेंगे, टेक्निकली बहुत मॉडर्न होगी हमारी फिल्म, पंजाबी सिनेमा दोबारा से अपने पांव पे खड़ा होगा। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि जब 80s और 90s में पश्तो सिनेमा बहुत वल्गैरिटी की तरफ चला गया था और पंजाबी सिनेमा बूम पे था, अब ये हुआ है कि जो पंजाबी सिनेमा है वो बहुत डिक्लाइन की तरफ चला गया है, क्योंकि इसमें बहुत सी हमारी स्टेज आर्टिस्ट वगैरह आ गई हैं,
ये वो जिनको के रोल्स नहीं दिए जाते, जिनको की सिर्फ फिल्मों में एज ए ग्लैमर एलिमेंट रखा जाता है, यू नो फॉर आइटम सॉन्ग्स एंड ऑल दैट। और जो पश्तो फिल्में वो इम्प्रूव हो रही हैं, ठीक है, उनकी टेक्निकली भी इम्प्रूव हो रही हैं और वो कंटेंट वाइज भी बेहतर हो रही हैं, और उसमें वो वल्गर एलिमेंट है वो भी जा रहा है। पंजाबी फिल्में वही बन रही हैं अभी, आपको पता है, वेरी सरप्राइज वो बन रही हैं, और वही लाहौर की जो सिनेमाज उनमें लगती भी है, लेकिन वो उनके बारे में कुछ सुनता नहीं है क्योंकि वो फिल्में किसी और मकसद के लिए बनती हैं, ठीक है। अब पंजाबी फिल्में अच्छी तब बनेगी, मैं तो कहता हूँ ज़रूर बनी चाहिए कि कंटेंट अच्छा हो। हमारी फिल्मों के हमेशा कंटेंट पंजाबी फिल्मों के बड़े स्ट्रांग रहे हैं। आप फिल्म लाइक अत खुदा दा वैर, इवन मौला जट, एक एक डायलॉग बहुत एक्सेप्शनल, ठीक है। तो जो स्क्रिप्ट राइटर है और जो पंजाबी राइटर है और फिर जो स्क्रीन राइटर है जो डायलॉग लिखता है, वो अगर अच्छा होगा, कॉन्टेंट अच्छा लाएंगे, पंजाबी सिनेमा की आज भी बहुत मार्केट है। इन सब जो हमारी नया टैलेंट है, इन सबको पंजाबी फिल्मों में काम करना चाहिए, और इन जो पुराने हमारे गाने उनको रिवाइव करना चाहिए, और उन्हीं को थोड़ा रीमिक्स करके उसी आवाज़ों में, मैडम की आवाज़ में या जो भी, थोड़ा बहुत एक आध फिल्में ज़रूर, एक आध गाना ज़रूर डालना चाहिए। अच्छा, अंजुमन के ऊपर आज हमने बनाए तौर पर बात की, वो एक फरमाइश आई, वो कह रहे हैं जी वो टोनी का जो खास वो एक अंदाज होता है जिसमें पुरानी फिल्मों के डायलॉग्स उन्हें याद हैं मज़े में, वो सीक्वेंस वाले जो डायलॉग, उस तरह का कोई एकाद होना चाहिए भाई आज, कोई अंजुमन का डायलॉग, अंजुमन का हो या कोई भी कोई पुरानी फिल्म का, वो कह रहे हैं उसके उस तड़के के बगैर सेगमेंट पूरा अधूरा सा लग रहा है। एक फिल्म थी हसीना 420, उसमें वो हसीना धोती नीली होती है, तो नीली जब आती है ना वो गुंडे के सामने कहती है शिकंजा वखा सेठ, हसीना तेरे सामने आकल होती है, कैसे डबरा डायलॉग है। और आजकल कोई ऐसे डायलॉग होते हैं कभी exactly. इस तरह के डायलॉग जो फजूल फजूल जो हम लोग आजकल जो बोल रहे होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स तवज्जो नहीं देते क्योंकि स्क्रीन राइटर्स है ही नहीं, तो वो वाली चीज़ें तो कभी रहती नहीं है। तो और उसके अलावा हम लोग ये डायलॉग तो हमने एक वो करना भी है ना, पूरा 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 शो करना है, तो इसलिए उसके लिए जरा रोक के रखो बस, ठीक है, डन हो गया भाई। अब दिल तो नहीं करता जब टोनी का सेगमेंट चल रहा मैंने चाय भी पीनी है ना, समझा करें। हाँ, चाय भी पीनी है, और हमने जनाब हमारे जो अगले गेस्ट हैं उनसे भी अपने व्यूअर्स को मिलवाना है। नाम है उनका सैयद मंजूर शाह साहब, जो कि वाइस चांसलर हैं हज़ारा यूनिवर्सिटी के। तो वो सब यंगस्टर्स तैयार हो जाएं जो आजकल सोच रहे हैं कि हमने अब जनाब किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना क्या, तो आज हम हज़ारा यूनिवर्सिटी हरिपुर का कम्प्लीट प्रोफाइल, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की सेकेंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, तकरीबन 13,000 स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इसका डिटेल प्रोफाइल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। टोनी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अगले हफ्ते जरा कुछ तैयारी करके आए, कोई जो हमारी टॉप की जो फिल्में अब आने वाली 2020 में है ना, उनके बारे में जरा हमें बताएं कि कौन सी फिल्में हमने लुक फॉरवर्ड, ठीक है, हैव अ ग्रेट डे। हम ले रहे हैं जनाब एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो सैयद मंजूर शाह साहब, वाइस चांसलर हज़ारा यूनिवर्सिटी से आपको मिलवाऊंगा।